कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 5 गारंटी देने का वादा राज्य की जनता से किया था। दक्षिण में बीजेपी के दुर्ग को अगर कांग्रेस ढहा पाई तो इसमें इन गारंटियों की बड़ी भूमिका थी। कर्नाटक के लोग जहां 5 गारंटी योजना लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी और जेडीएस इस पर संदेह जता रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्नाटक में हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी, चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करके कांग्रेस ने अपने दम पर सूबे में सरकार बनाई। कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत दर्ज की और पूर्ण बहुमत हासिल की। कर्नाटक की कुर्सी पर सिद्धारमैया विराजमान हुए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के बाद सिद्धारमैया ने बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू मानी जाएगी। इसका फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। इससे पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। मोदी कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 42% हो गया। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% से 42% कर दिया है।